नीट यूजी को लेकर दाखिल याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई और इस बार 40 छात्रों के एक समूह ने याचिका दी है। उनकी भी मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। इसके अलावा एनटीए की भी अर्जियां हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई, उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। इस तरीके की खबरें कई जगहों से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तभी तो आपने उसको पेपर को कैंसिल किया है। मगर क्योंकि सरकार इसको छिपा रही है, इसलिए शक होता है कि सरकार की कहीं इसमें मिलीभगत तो नहीं है। प्रधानमंत्री को परीक्षा पे चर्चा करने का बहुत इंटरेस्ट है, तो इस बार परीक्षा पे चर्चा हो जाने दीजिए। नीट परीक्षा पे, एनईटी पे, इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा कर रहे प्रधानमंत्री? इतना शांत क्यों हो गए? तो नीट यूजी को लेकर यह पूरा मामला है और यह दाखिल याचिका पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सबकी निगाहें इस पर हैं। इस बार आपको बता दें, अलग से 40 छात्रों के एक समूह ने याचिका दायर की है और उनकी भी मांग है कि परीक्षा रद्द कर दी जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। गेस्ट हाउस से जले हुए प्रश्न पत्र मिले जो अहम सुराग है, लेन देन के सबूत मिले हैं, ईओयू ने यह बताया। ये पटना में जो सुराग मिले हैं उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। ओएमआर जो शीट है वो भी बरामद हुए, अहम सुराग। किस बात का इंतजार है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट धांधली पर ये जो खुलासे हुए हैं, बुकलेट नंबर्स मिले हैं, ये देखिए साथ साथ आपको दिखा भी रहे हैं, और क्या कुछ लिखा गया है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब जांच में मिले 6 पोस्ट डेटेड चेक, जिसे पीडीसी कहते हैं, फॉर्मेट किया हुआ मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है, जिसे फॉर्मेट कर दिया गया था उस मोबाइल फोन को। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं, मतलब ये सबूत हैं। अब लिस्ट देखिए कितनी लंबी हो रही है। अब अनुराग यादव जो आरोपी है, अभ्यर्थी, परीक्षा से पहले ही मिल गया प्रश्न पत्र, इसने कबूल किया है। अब जब सिकंदर यादवेंदु है, मास्टरमाइंड माना जा रहा है, अनुराग का फुफा अमित, नीतीश ने 24 घंटे पहले पेपर देने को कहा और ये बकायदा आपको हम दिखा रहे हैं। अनुराग यादव जो अभ्यर्थी है उसने कबूल किया है और लिखकर भी बता रहे हैं, देखिए जरा इसमें लिखा हुआ है अनुराग यादव। अब यूजीसी नेट को लेकर भी बवाल है, वो भी अभ्यर्थी यहां पर नजरें जमाए हुए थे, वो भी जो है पूरा मामला ही वो रद्द कर दिया गया है। अब जांच होगी, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए जरा। पूरे देश में बवाल नीट के नतीजों को लेकर है। अभ्यर्थी नतीजों को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, कोर्ट में मामला है। लेकिन एक दूसरी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ गई। हल्ला गुल्ला मचने से पहले ही सरकार ने यूजीसी नेट इम्तिहान रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी देते हुए लिखा, सरकार परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। इससे ये संकेत मिलता है कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। मामले की गहन जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले के बाद सरकार पर हमला तेज हो गया है। नीट रिजल्ट को लेकर पहले से ही बवाल जारी है। अब नेट इम्तिहान रद्द होने के बाद परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए को बैन करने की मांग उठने लगी है। जिस तरीके से नीट के पेपर में धांधली हुई, अब आप देखेंगे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो रिसर्च का एग्जाम होता है नेट का, उसका भी पेपर लीक इस संस्था ने करा और आज वो पेपर कैंसिल करना पड़ा इस संस्था को। तो मेरी ये दोबारा मांग है बीजेपी की सरकार से, बीजेपी के एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, कि अपनी आंखें खोलें और तुरंत एनटीए को बैन करें और एनटीए पर बड़ी कानूनी कार्रवाई करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने की योग्य हासिल करने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी के नामांकन के लिए आयोजित की जाती है। मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए ये परीक्षा ली जाती है। ये परीक्षा इस बार 18 जून को पेन एंड पेपर मोड यानी ऑफलाइन आयोजित की गई थी।
इसमें रिकॉर्ड 11 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, यानी 11 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्हें फिर इम्तिहान में बैठना होगा। यहाँ बड़ा सवाल भरोसे का है कि क्या कदाचार मुक्त इम्तिहान कराने में सरकार नाकाम हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो कई सारे मामले सामने आए जहां पेपर लीक और बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन जवाब अब तक मिल नहीं पाया है। इन छात्रों को, उनके अभिभावकों को, जो लाखों अभ्यर्थी हैं देश में, वो उम्मीद करते हैं कि कब ये वैकेंसी आए, कि इस पर बहाली हो या फिर ये परीक्षा हो, कि आगे उनका भविष्य सुधरे समरे। लेकिन अभी तक एश्योरेंस कौन देगा? इतने सारे खुलासे तो हो गए, मास्टरमाइंड भी सामने आ चुके हैं, इसमें तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, जांच की बात की जा रही है, लेकिन कितना वक्त खराब हुआ इन छात्रों का, ये समझ ने वाली बात है। और आगे इस तरह चीजें ना हो, इसको एश्योर करना पड़ेगा।